Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास सेकेंड से मैथ ओलंपियाड के सैंपल पेपर, उसके सिलेबस, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहती है, उसकी एग्जाम फीस क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेंगे, इन सभी चीज़ों की एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक ही जगह पर आपको सभी चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें हम एग्जाम पैटर्न एंड सैंपल पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये एग्जाम करवाई जाती है। क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के कोई भी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम लेवल इंटरमीडिएट रहता है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल के द्वारा करवाई जाती है, अर्थात यह एग्जाम बच्चे स्कूल के द्वारा दे सकते हैं। इंडिविजुअल यह एग्जाम नहीं होती है और ऑनलाइन भी यह एग्जाम नहीं होती है। एग्जाम के लिए यहाँ पर तीन डेट दिए गए हैं, 22 अक्टूबर 2024, 19 नवंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024। ये तीनों डेट में से स्कूल के द्वारा जो भी एक डेट चूज की जाती है उसी एक डेट को उस स्कूल के बच्चों को एग्जाम देना होता है। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहते हैं, अर्थात स्कूल टाइम में स्कूल में ही इसकी एग्जाम होती है। फी ऑफ रजिस्ट्रेशन 125 रुपीज होती है। साल में यह एक बार एग्जाम होती है और लैंग्वेज इसका इंग्लिश रहता है और ड्यूरेशन 1 घंटे का रहता है। चलिए अब इसके हम क्लास सेकंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम के पैटर्न एंड सिलेबस देख लेते हैं। क्लास सेकंड के लिए मैथ के पैटर्न और सिलेबस देखते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चार भागों में बटे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। ये चार सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटे रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। उसी प्रकार एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन पर मार्क्स रहते हैं, जबकि अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। आइए अब इसके सिलेबस देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं जबकि टाइम 1 आवर्स का रहता है। यहाँ पे सैंपल पेपर के रूप में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। सिलेबस पर अब हम बात करते हैं। सेक्शन 1 जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, आप चाहे मैथ, साइंस, जीके, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इन सभी पेपर में से, इन तीन पेपर में से कोई भी पेपर का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसके साथ आपका लॉजिकल रीजनिंग का भी पेपर साथ में रहता है। सेक्शन वन में हम देखते हैं पैटर्न, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट, ज्योमेट्रिकल शेप, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सेक्शन 2 न्यूमरल, नंबर्स नेम, नंबर सेंस, 3 डिजिट नंबर, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, मनी, लाइंस, शेप एंड सॉलिड, पिक्टोग्राफ एंड पैटर्न। सेक्शन 3 जो कि एवरीडे मैथमेटिक्स टॉपिक है, जो सिलेबस एज पर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। एंड सेक्शन 4 जो कि अचीवर सेक्शन है, ये भी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहता है, ये भी सिलेबस एज पर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके सैंपल पेपर हम देखते हैं क्या है। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग से समझते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर एंड स्टैंडिंग लाइन रेस्पेक्टिवली आर देयर इन गिवन फिगर। इसमें हमें बताना है, इस क्वेश्चन को समझिए, रेस्पेक्टिवली कहा जा रहा है, अर्थात पहले स्क्वायर को हमको देखना है फिर स्टैंडिंग लाइन को देखना है। इसमें पूछा जा रहा है कितने स्क्वायर एंड कितने स्टैंडिंग लाइन है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कितने स्क्वायर एंड कितने स्टैंडिंग लाइन है। जैसे ये हमारा स्क्वायर है, 1 स्क्वायर ये बना हुआ है, तो इतने कितने स्क्वायर हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 8, 5 और 6, 7, तो हमारा ये 7 है जो 7 बी सेक्शन में, बी ऑप्शंस में दिख रहा है। और फिर हमें स्टैंडिंग लाइन देखना है, तो स्टैंडिंग लाइन को भी हम देखते हैं कि स्टैंडिंग लाइन कितना हो रहा है। देखिए स्टैंडिंग लाइन है 1, 2, 3, 4 एंड 5,
तो इस प्रकार ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 7 स्क्वायर एंड 5 स्टैंडिंग लाइन हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टुमारो विल बी संडे देन यस्टरडे वाज ए मंडे बी फ्राइडे सी सैटरडे एंड डी ट्यूजडे। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा डे होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यस्टरडे, इफ टुमारो विल बी संडे, टुमारो विल बी क्या है, संडे, यानी आने वाला कल जो है संडे होगा। यस्टरडे यानी पीछे, तो क्या होगा आज, टुमारो यानी संडे है तो आज हमारा क्या हो गया सैटरडे, टुडे हो गया सैटरडे और टुमारो हो गया संडे। तो यस्टरडे यानी पीछे वाला दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे इस प्रकार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ए बी सी एंड डी। ये एक तरह से गुड हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोशल वैल्यू जो होती है हमारी, गुड हैबिट बैड हैबिट जो कि पीवीएस में आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है ये। चलिए देखिए पहला क्या हो रहा है, हैंड वॉश, सेकेंड रीडिंग, थर्ड ये बच्चा स्विच बोर्ड में कुछ कर रहा है एंड डी ब्रश। तो ये हमारी गुड हैबिट होती है हैंड वॉश करना, रीडिंग करना एंड ब्रश करना, जबकि स्विच बोर्ड को टच करना ये बैड हैबिट होती है। तो इसमें से सेलेक्ट ऑड वन आउट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी ऑड वन आउट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग से हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ट्री विच हैज सम ऑफ देयर डिजिट एज 5। इसमें हमें ये बताना है कितने ऐसे डिजिट हैं जिसको प्लस कर कर 5 आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर 8, 16, 3 और 2 5, 9 और 2 11, 4 और 8 12, 3 और 4 7, 9 3 12, 4 और 1 5 और 4 और 1 5, 6 और 8 14, 2 एंड 4 6, 3 एंड 2 5। तो हमारा कितना ऑप्शन हो रहा है, तो चलिए इसको हम राउंड अप करते हैं। चलिए रेड कलर से हम देख लेते हैं, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 2 एंड 3 5, 1 एंड 4 5। तो यहाँ पे ऑप्शंस, चार ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको प्लस करके हमारा 5 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 13 टेंस एंड 2 वंस। 13 टेंस प्लस 2 वंस को प्लस करने पर जो नंबर आता है उससे लेस देन यहाँ पर कौन सा नंबर है, हमें ये देखना है। तो चलिए यहाँ पर वन सेंटेंस पहले लिखेंगे। यहाँ पर ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस, ठीक है, और ये हो गया 100। तो पहला है आपका 13 टेंस, तो 13 टेंस हम इस प्रकार लिखते हैं और 2 वंस मीन्स 2 यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 132। अब 132 से यहाँ पे कौन सा डिजिट कम है, लेस देन है, तो 132 से हमारा लेस देन नंबर है 123। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 5 123 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। What is the weight of watermelon shown in the figure? इसमें watermelon का हमें weight बताना है। यहाँ पे चलिए देखिए, ये हो रहा है 400, ये हो रहा है 600 और बीच में जो ये थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे watermelon plus 200 weight हमने रखा है, जिसका weight हमारा क्या है ये देखना है। तो ये देखिए watermelon
प्लस 200 हमने यहाँ पे रखा है, 200 जिसको मिला के ये हो रहा है, बीच में ये कितना आ रहा है 550। दोनों को मिलाकर इसका वेट आ रहा है। तो हमको वाटरमेलन निकालना है, तो वाटरमेलन के लिए हम क्या करेंगे, 550 माइनस 200, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, फाइव में से जीरो गया फाइव, और फाइव में से टू गया थ्री, तो आंसर क्या आ रहा है 350। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 350 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे, ऐसे तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सैंपल्स के रूप में हम 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं, पर सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स इन द बॉक्स ऑफ देयर इन 25 ब्लू मार्बल्स, 18 रेड मार्बल्स एंड 27 येलो मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स ऑल टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड के अनुसार हमें समझना है कि क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीपल करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑल टुगेदर का मतलब होता है सबको एक साथ जोड़ना है। पहला है 25 ब्लू मार्बल्स हो गया, 18 रेड मार्बल्स एंड 27 येलो मार्बल्स, इन सभी को मिलाकर कितने हो रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर आपके जो हो रहे हैं, चलिए हम प्लस कर लेते हैं, 587 इक्वल टू 20 का 0 और 2 कैरी ऑन, तो 2 to 4 to 6 और 170 मार्बल हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, मिली हैड 560 इन हर पर्स, व्हेन ही वेंट शॉपिंग ही स्पेंट 456, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, लेफ्ट मतलब बचा कितना है। अब समझिए, मिनी के पास पर्स में 560 रुपए थे, 560 रुपीज वो गई शॉपिंग करने और वहां उन्होंने स्पेंड किया 456। तब इसमें पूछा जा रहा है कि उनके पास कितना बचा, तो 560 माइनस 456 इसको हम माइनस करेंगे, तो 6 में से 0 नहीं जाएगा, इधर से हम 1 ले लिए तो ये हो गया 10 में से 6 गया 4, ये एक इसको दे दिया तो यहाँ बचा 5 5 5 0 और 5 में से 4 गया 1, तो कितना बच रहा है उसके पास 104। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 104 है, तो 104 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, जो कि हमारा अचीवर सेक्शन से है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अचीवर सेक्शंस, इसको हम समझेंगे और फिर हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सेफ है दिल या पान का पत्ता बोल सकते हैं, चांद और ये फेस, रेस्पेक्टिवली इच सेफ स्टैंड फॉर डिजिट, हर सेफ के लिए एक डिजिट दिया गया है, तो हम मानते हैं कि क्या हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो फेस की वैल्यू हो गई 3, फेस की वैल्यू हो गई 3, अब यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है 4, तो ये चांद प्लस फेस इक्वल टू 4, तो फेस की वैल्यू 4 है, तो 4 में 3 है, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। नेक्स्ट हमारा हो गया, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस 1 4 हो गया, ये दोनों 4 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 4 में से 9 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो अब रेस्पेक्टिवली इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है 5, चांद की वैल्यू हमने निकाली 1 और फेस की वैल्यू 3,
ऑप्शंस क्या हो रहा, 513, 513 ऑप्शन है ऑप्शन ए में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट सैंपल पेपर्स में है. सानिया बाय 4 एप्पल 2 मैंगोज एंड 5 टोमेटोज फॉर मार्केट. तो हाउ मच मनी विल बी विल सी हैव टू पे, यानी इन सभी को खरीदने में उन्हें कितना पैसा लगेगा. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ फ्रूट या वेजिटेबल्स जो भी है यहाँ पे इसके रेट दिए गए हैं और हमें कितना लेना है. तो 4 एप्पल्स, तो 4 एप्पल्स, एक एप्पल्स का दाम 20 रुपीज है, ठीक है. तो 4 एप्पल्स का दाम क्या हो जाएगा, ये हमें लिखना है और फिर प्लस करना है. तो 24 जा 80, ये क्या हो गया हमारा एप्पल. नेक्स्ट है 2 मैंगोज. तो 1 मैंगोज की प्राइस है यहाँ पर देखिए, 1 मैंगोज की प्राइस है 10 रुपीज. तो 10 × 2 इसका 20. नेक्स्ट 5 टोमेटो, टमाटो की वैल्यू है 8 रुपीज. तो 5 टोमेटो 5 × 8 इसका 8 × 5 = 40 और इन सभी को प्लस करना है. 0 0 0 का 0 हो गया, 8 × 10 और 4 = 14, 140 रुपीज जो है उसे पे करना है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 140. तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए. थैंक यू.